नमस्ते इंट्रोडक्शन टू कंपनीज लॉ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई वी रिक्वायर एन इंट्रोडक्शन टू दिस लॉ कंपनीज लॉ क्योंकि ये जो एक्ट है दिस एक्ट द कंपनीज एक्ट ओके 2013, ओके सो दिस इज अ व्हाइट एलिफेंट व्हाट इज व्हाइट एलिफेंट

अच्छा फिर कुछ प्रेसिडेंट्स ले आए हैं केस लॉस को प्रेसिडेंट बना दिया जो कि बहुत जरूरी है मींस डायरेक्टली व्हाइट एलिफेंट को हम नहीं स्टार्ट कर सकते डायरेक्टली कंपनीज एक्ट पढ़ना विल बी वेरी रिस्क इसीलिए हम लोग ने चार पांच मॉड्यूल सिर्फ इंट्रोड ताकि इसका एक बेस बनाए ताकि ये हंड्रेड से ज्यादा मॉड्यूल्स की जो बड़ी जर्नी है एक सौ का इंटरप्रिटेशन करना है उसके पहले एक माइंड क्लियर हो कि यह ब्यूटिफुल एक्ट ये कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, थर्टीन द डायनामिक एक्ट का एक बेस दिमाग में रहे एक माइंडसेट रहे और हम अप्रोच करें ओके नाउ इन दिस मॉड्यूल ऑफ द इंट्रोडक्शन दो अंडरलाइंग एसेंस है बिफोर वी स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट 2013. एसेंस नंबर वन व्हाट इज योर एसेंस नंबर वन सी दिस इज द एसेंस नंबर वन द बबल्स कंपनीज रेगुलेशन एक्ट सेवनटीन

तो कहा ना कहा कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन का एक बेस बनाना है ताकि हम ये एक्ट बड़े अच्छे से कर सके तो जरा समझिए व्हाट इज दिस बबल्स एक्ट ओके अब देखिए यूरोपियन कंट्री में कॉलोनलिज्म इंपीरियलिज्म हुआ जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर्स हुए तो जब भी वॉर होता था सारी यूरोपियन इकोनॉमीज स्पेशली इंग्लैंड सारा अपना रिसोर्सेज कहां डाइवर्ट कर देती थी वॉर के गुड्स बनाने में एम्यूनेशन फूड सप्लाई यूनिफॉर्म एक्सेट्रा ड्यूरिंग द पीस टाइम्स जब पीस टाइम में ये यूरोपियन इकोनॉमी स्पेशली यूरोपियन गवर्नमेंट को सूझा ऐसा सूझा कि क्यों ना हम कंज्यूमर गुड्स बनाए लार्ज स्केल पे तो वो लोग ने लार्ज स्केल पे कंज्यूमर गुड्स बनाना चालू किया और बहुत प्रॉफिट कमाने लगे अब सबसे बड़ा थ्रेट किसको था प्राइवेट ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स क्योंकि उनका सर्वाइवल वॉज एट स्टेक क्योंकि गवर्नमेंट तो ज्वाइंट है तो इन लोगों ने क्या किया दे केम टूगेदर दे पुल्ड डे रिसोर्सिस टूगेदर लेकिन फिर भी गवर्नमेंट किधर और ये लोग किधर अब एक ही रास्ता बचा पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक को भी ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जहां पर अच्छा रिटर्न्स मिले जैसे ही ये प्राइवेट ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स पब्लिक के पास गए पब्लिक ने अपना सारा पैसा लगा दिया इतना चाहिए था इतना मिल गया और अब ये गवर्नमेंट के टक्कर में हो गए टू कंपीट लेकिन एक बात ध्यान दीजिए उसी समय इंग्लैंड में स्पेशली कुछ ऐसी कंपनीज आई जिसको बबल्स कंपनीज कहा जाती है वॉट इज द कैरेक्टर ऑफ बबल्स बबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बबल्स बबल्स खेला है ना बचपन में डेट बबल्स आता है एंड टुपुक तो ऐसे ही लोगों ने पैसे डाले और अगले दिन वो कंपनी टुपुक गॉन वैनिस्ट तो इसीलिए ये ये जानना बहुत जरूरी है कि बबल्स तभी तो फिर बेस बनेगा कंपनीज एक्ट का अब यहां पर जब ऐसी बबल्स कंपनी आई लोगों का हार्ड ऑनड मनी लेकर भाग गए अब जाके यूरोपियन गवर्नमेंट की आंखें खुली कि हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है हमारा मेन मोटिव वेलफेयर स्टेट है सो प्रॉफिट मेकिंग स्टेट नहीं है वी आर अ वेलफेयर स्टेट और स्टूडेंट्स यहां पर गोल्डन वर्ड्स हमारे को याद रखने दैट गोल्डन वर्ड्स द हार्ड अर्न मनी ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल वुल बी मैनेज बाय हैंडफुल ऑफ पर्सन देट इज कॉल्ड एज प्रमोटर्स सो देबिलिटी ऑफ स्कैम स्कैंडल्स एंड रिस्क दिस फॉर्म ऑफ डूइंग द बिजनेस कॉल्ड एज कंपनी दैट invites पब्लिक मनी रिक्वायर्स ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन एंड as सच the incorporation of ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी ताकि कल को अगर कोई भी प्रमोटर्स या ऐसे बबल्स कंपनियां हैं तो गवर्नमेंट के पास पूरी जन्म कुंडली है उनकी और फटक से पकड़ा जाएगा हु आर द रियल कल्पोरेट्स सो जब हम ट्वेंटी का एक्ट पढ़ते हैं हमारे को ये बबल्स कंपनी सब चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए क्यों सोल प्रोपराइटर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है क्यों पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कंपलसरी नहीं है क्योंकि वहां पे पब्लिक मनी इज नॉट इन्वॉल्व लेकिन कंपनी प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है तो यहां पब्लिक मनी एंड हार्ड अर्ड मनी लोगों का विचारों का हार्ड अर्ड मनी है वो और अगर ऐसे कोई अगले दिन लेकर भाग जाए तो ये तो गलत है तो एक बबल्स एक्ट से मुझे आपको एक्वेंड करवाना था और दूसरा एसेंस ये रहा दूसरा एसेंस ये देखिए एशबेरी रेलवे कैरेज रिची कभी का केस है? 1876 का केस है. Okay. इस केस केस है है 1876 ओके इस में ब्लैकबर्न जो जज थे उन्होंने कहा यानी के आर्टिकल्स की जरूरत नहीं मेमोरेंडम में इतना दम है कि वो अकेला कंपनी को इनकॉर्पोरेट यह कभी कहा था बताओ कभी कहा था एटीन अब जो 1876 में कहा गया वो हमारे आज के कंपनीज एक्ट के इस सेक्शन में दिख रहा है यानी सेक्शन फाइव सब सेक्शन सेवन में दिखाई दे रहा है जो क्लियरली बोल रहा है द कंपनी शैल बी एट द ऑप्शन इधर टू हैव इट्स ओन आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द मॉडल फॉर्म एज गिवन इन शेड्यूल वन और टू सिंपली अडॉप्ट दोज मॉडल फॉर्म एज द आर्टिकल्स बाय एंडोसिंग ऑन द फेस ऑफ द मेमोरेंडम यानी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है मेमोरेंडम के फेस पे एंडोर्स करो भाई दिस दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज आर खत्म सो स्टूडेंट्स कैसे आपको लिंक करना है यानी जो आज हम कंपनीज एक्ट में 2013 के सेक्शन फाइव सबसेक्शन सेवन पढ़ने वाले हैं इसकी नीव इसका बेस तो बहुत पहले 1876 में रख दिया गया था सो so ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए और तो right. so, नमस्ते